नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनखड़ और आप देख रहे हैं रूबल धनखड़ फिटनेस। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उन लोगों के जिनके पास पैसे नहीं हैं सप्लीमेंट परचेज करने के। तो क्या क्वेश्चन आते हैं, सर हमारे पास पैसे नहीं हैं, बहुत कम पैसे हैं, बहुत मुश्किल से पैसे जुटाए हैं, कौन सा प्रोटीन लें सही दिशा में अपने पैसे खर्च करने के लिए? क्योंकि जब आदमी के पास सोर्स कम होते हैं, पैसे कम होते हैं, तो वो चुन चुन के देख देख के कदम रखना चाहता है, क्योंकि पैसे ऐसे नहीं कमाए जाते। और स्टूडेंट लाइफ में तो फैमिली क्या करती है कि पैसे जो है पढ़ाई पे ज़्यादा खर्च करती है, सप्लीमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करती है, क्योंकि ये आपका जो भविष्य नहीं बनाता। क्योंकि सभी लोगों का तो एम बॉडी बिल्डिंग करना नहीं है। तो आज की वीडियो में उन बच्चों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या खरीदे, कहाँ से खरीदे, कौन सा खरीदे। तो बने रहे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। होता क्या है कि सभी फैमिली सपोर्ट नहीं करती सप्लीमेंट को। हालांकि कुछ जो फैमिली है जो ये सोचते हैं कि ये तो पाउडर है, ये गलत साइड इफेक्ट दे सकता है आपको, आपकी बॉडी ख़राब कर सकता है, आपकी लाइफ ख़राब कर सकता है। तो सभी को नहीं पता होता इन चीज़ों के बारे में। अपने बारे में बता दूं, मैं वीडियो शुरू करने से पहले अपने बारे में बता दूं, जब मैंने सबसे पहली बार सप्लीमेंट लिया था तो मैं वॉलीबॉल की टीम में था स्कूल की। उसके बाद मैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेलता था दिल्ली की टीम से। तो तब 20 रुपये रिफ्रेशमेंट मिलती थी डेली, यानी कि महीने के मैं 600 रुपये या 500 रुपये जोड़ लेता था। उसके बाद मैंने कई महीने जाके सेव करके अपने ट्रेनर को पैसे दिए थे ताकि मैं सप्लीमेंट खरीद सकूँ। और उस सप्लीमेंट को मैंने बुक्स के अंदर छुपा के रखा था, कहीं मेरी माँ इसे फेंक ना दे, क्योंकि उस टाइम पे सप्लीमेंट को पाउडर के नाम से जाना था कि इसमें तो पाउडर खा लिया, इसकी तो बॉडी बन जाएगी, ये और वो। तो नेगेटिव सोचते हैं सब लोग। तो बहुत मुश्किल होता है सप्लीमेंट परचेज करना स्टूडेंट्स के लिए, यंग्स के लिए। तो अगर आपके पास पैसे कम हैं और आपने पैसे इकट्ठे किए हैं, तो अभी मार्केट में बहुत सारे रिव्यू देखे मैंने, बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे जो कमेंट्स देखे, एज इट इज़ प्रोटीन के बारे में से पूछा गया। तो मैंने उसे देखा, पढ़ा। मैं पर्सनली इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि आप एज इट इज़ प्रोटीन जो प्योर नेचुरल फॉर्म में आपको मिल रहा है, रॉ प्रोटीन है, 80% अनफ्लेवर्ड लिखा हुआ है उसके सामने, और वो आपको मिल रहा है लगभग लगभग 1400 से 1500 रुपये का 1 kg, जिसमें 33 सर्विंग है और एक सर्विंग में 24 ग्राम प्रोटीन है। तो मैं आपको कहूँगा, आप इसकी बजाय अल्टीमेट न्यूट्रिशन का प्रोस्टार खरीदें जो बिल्कुल यूज़ करने के लिए रेडी है। हालांकि आप अनफ्लेवर्ड भी यूज़ कर सकते हो, आपको फ्लेवर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसमें प्राइस का जो डिफरेंस देखेंगे ना, कुल 500 रुपये का। और आपको अलग अलग पैकेट नहीं खरीदने पड़ेंगे, 1 किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम। आप एक बार परचेज कीजिए, अभी फिलहाल उसका रेट थोड़ा डाउन चल रहा है, अभी आपको फ़ायदा है लेने का। तो आप अभी अगर उसे परचेज करेंगे तो लगभग 3800 रुपये का पड़ेगा। प्रोस्टार भी है, वो 80 सर्विंग मिलेगी आपको, 80 सर्विंग, एक सर्विंग 30 ग्राम की, 25 ग्राम प्रोटीन। और आपको एक बात और बता दूँ, ये छोटा मोटा ब्रांड नहीं है अल्टी। और एक चीज़ और नोट करने वाली ये है कि एज इट इज़ अभी मार्केट में नया आया, अल्टीमेट एक पहचान बनाए हुए है अपनी, और मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं वो, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो वे प्रोटीन मैंने यूज़ किया है वो अल्टीमेट न्यूट्रिशन का, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है इस बारे में, मैं नीचे लिख दूंगा। मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं इस वीडियो के लिए, या अल्टीमेट मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, लेकिन जो सही है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं भी मिडिल क्लास से था, मेरे फादर पुलिस में जॉब करते थे और लिमिटेड बहुत कम पैसे थे, तो मैं भी छुप छुप के जोड़ के पैसे खर्च करता था। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अल्टीमेट न्यूट्रिशन का प्रोस्टार सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, 80 सर्विंग मिल जाती है आपको एक बार परचेज करने में, और फिलहाल 3800 का आपको मिल रहा है, यानी कि आपको देखोगे ना, आप अगर कंपेयर करोगे तो 400 साढ़े 400 रुपये का डिफरेंस मिलेगा दोनों प्रोटीन में। जबकि अगर उसकी एक सर्विंग देखें आप, 33 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है आपको लगभग 43 रुपये का, ये आपको पड़ रहा है लगभग 47 रुपीज़ का प्रोस्टार। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप चीप की बात करें, इफेक्टिव की बात करें, तो मैं प्रोस्टार को अपना वोट दूंगा। उसमें कोई अपना आपको फ्लेवर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एंजाइम्स लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी BCA ज़्यादा है, तीनों L-leucine, आइसोल्यूसिन सब है। प्रोस्टार एक कंप्लीट कॉम्बो है। फिलहाल
जो एक बार मिस्टर ओलंपिया भी रह चुके हैं वो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर आप यही चीज़ नोट करते हैं कि ब्रांड कौन सा अच्छा है या नहीं है, ब्रांड कोई मैटर नहीं करता, आप ये देखिए 30 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन किसी भी प्रोटीन में आपको नहीं मिलेगा। इवन आप अगर आइसोलेट भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन उसमें भी इतनी रेशो 50 ग्राम 50% प्रोटीन आपको मिल रहा है, वे कंसेंट्रेट 100% वे कंसेंट्रेट। तो बच्चे क्या है, गुमराह हो जाते हैं। अगर आप रो प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, हालांकि एज इट इज़ मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन रो प्रोटीन मैंने यूज़ किया है पहले डेविस्को का, वही सस्ते के चक्कर में, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा, मेरा पेट ब्लोटेड रहता था भरा भरा और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन प्रोस्टार सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया है, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एक्ने या गैस या डाइजेशन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया भी हुआ है कि कितने डब्बे मेरे घर में रखे हैं अभी भी प्रोस्टार के खाली, जिनमें ओट्स दाल चावल सब रखे हुए हैं। और एक चीज़ और नोट करने वाली है कि जो चीज़ डिमांड में ज़्यादा होती है इंडिया में, उसी की कॉपी सबसे ज़्यादा होती है, और ओन की डुप्लीकेसी सबसे ज़्यादा है इंडिया में। ओन को अवॉइड कर दे, एज इट इज़ को मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब है क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर आप पैसों को ही देख रहे हैं तो चीप के मामले में और इफ़ेक्टिव के मामले में मेरा वोट प्रोस्टार को जाता है। तो जो मेरे जैसे भाई हैं और मुश्किल से पैसे जुटा पाते हैं वो प्रोस्टार खरीदे, कंप्लीट पैक है, पैकेज है आपको प्रोटीन का, और आपको खाली प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट में ही यूज़ करने की ज़रूरत है प्रोटीन की या नाइट रिकवरी के लिए, बाकी आप नेचुरल डाइट से पूरा करिए। अगर आप 80 सर्विंग ले रहे हैं और आप 2 सर्विंग डेली यूज़ करें तो 40 डेज आप चला सकते हैं 3800 रुपये में 40 दिन, बाकी आप नेचुरल से ले सकते हैं। तो पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है ये स्टूडेंट लाइफ में, जब तक आप पेरेंट्स पे डिपेंड करते हो, आप कमाना शुरू नहीं करते हो तो अपने माँ बाप का पैसा ख़राब ना करें, बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, तो सही दिशा में उसे खर्च करें। मैं कहूँगा आप प्रोस्टार लीजिए, अच्छा प्रोटीन है, मैंने बहुत बार यूज़ किया है और कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने डेविस्को लिया मैंने उसमें एंजाइम्स भी लिए उसके साथ फ्लेवर भी ऐड किया, लेकिन कभी भी फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि वो मैंने छोड़ ही दिया। मैंने 7 किलो लिया था, वो बड़े पैक में आता था 22-23 किलो के आसपास शायद। तो रो प्रोटीन मैं मना करूँगा आपको लेने के लिए, प्रोस्टार अच्छा ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा भी 200-300 रुपये का डिफरेंस आएगा, बहुत सारे वे प्रोटीन हैं मार्केट में, तो रो प्रोटीन अवॉइड कीजिए। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ आया हो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से ये इन्फॉर्मेशन मेरे जैसे आप जैसे बच्चों तक पहुंचती है और उन्हें फ़ायदा होगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगे, अगर अच्छी ना भी लगे तो भी बताएं कमेंट करके, और सब्सक्राइब करना ना भूले, आपका अपना चैनल है। मैं हूं रूबल धनखड़, जय हिंद जय भारत।